जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी स्पेन पे। स्पेन का टूरिस्ट वीजा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, वीजा की चार्जेस कितने हैं, प्रोसेसिंग टाइम, तो ये सारी जो है डिटेल हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। स्पेन का वीजा अगर आपने अप्लाई करना है दोस्तों, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप दुबई से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अबू धाबी से कर सकते हैं। तो अबू धाबी और अलैन के जिनके वीजे हैं वो लोग तो अबू धाबी से कर सकते हैं, और बाकी एमिरेट्स इंक्लूडिंग दुबई, शारजा, अजमान, रसल खैमा, बाकी सारी एमिरेट्स जो है वो दुबई में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आपका दुबई या शारजा बाकी एमिरेट्स का वीज़ा है तो आपने दुबई से जो BLS सेंटर है जो कि जुमेरा में है, उनसे आपने उनकी वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट थोड़ी सी मुश्किल मिल रही है, स्पेशली अगर आप दुबई की बात करें तो दिसंबर के लास्ट वीक में कुछ स्लॉट जो है वो दिखा रहे थे, मैंने कल ही चेक किया है, ठीक है। और अगर आप अबू धाबी से बुक करना चाहते हैं तो नवंबर के लास्ट में भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है वहाँ पे। क्योंकि स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो ऐसा है कि आप 6 महीने पहले भी एडवांस में आप प्लान दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने दिसंबर में वीज़ा सबमिट किया है और आप अपना प्लान जो है जून में दे सकते हो 6 महीने बाद। तो आप बेसिकली स्पेन का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप 180 डेज यानी कि 6 महीने पहले एडवांस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको दिसंबर की अपॉइंटमेंट या जैन की अपॉइंटमेंट भी मिल रही है तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं, आप जो है जून जुलाई का अपना जो है प्लान दे के आप अभी से ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं स्पेन की। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि स्पेन की अपॉइंटमेंट जो है वो फ्री मिलती है जनरल कैटेगरी की, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आप अगर आपको दिसंबर के लास्ट में या जैन में कोई अपॉइंटमेंट मिल रही है तो आप फ्री में बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो BLS सेंटर की जो फीस है 60 to 70 दरम समथिंग है, वो भी आपने वहीं जाके सेंटर में पे करनी है, और जो वीज़ा की फीस है अराउंड 300 दरम वो भी आपने वहीं जाके पे करनी है। तो ऑल टुगेदर स्पेन का वीज़ा आपको 400 to 450 इंक्लूडिंग कुरियर फी मिल जाएगा। अबू धाबी से अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, अगर आपका अबू धाबी का वीज़ा है, दुबई का वीज़ा है तो फिर दुबई से आपने लेनी है। तो अपॉइंटमेंट फ्री मिल रही है अगर आप जनरल कैटेगरी की लेते हैं। प्रीमियम लेंगे तो 400 दरम उसका कुछ एक्स्ट्रा आपने पे करना है। इनकी डोर टू डोर सर्विस भी है, अगर आप वो भी लेना चाहें, सेंटर में नहीं जाना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। 6 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी वीज़ा की फीस नहीं है, और 6 साल से 12 साल की एज के जो बच्चे हैं उनकी वीज़ा फीस जो है वो हाफ है। तो दोस्तों अगर आपको लेट अपॉइंटमेंट भी मिल रही है तो आप बुक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप रीशेड्यूल भी करें, समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं, तो उस वक्त में आप अर्ली कोई अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है तो आप वो भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कंटिन्यू चेक करते रहा करें, क्योंकि शेंजन में जितनी भी कंट्रीज हैं इनकी जो आजकल वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा जो है रश लगा हुआ है, तो अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी नहीं मिल रही। तो अगर आपको कोई भी स्लॉट मिल रहा है तो आप फ़ौरन उसको बुक कर लें। और दूसरा ये है कि आप रीशेड्यूल करके आपको कोई अर्ली अपॉइंटमेंट मिले तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर नहीं भी मिल रही तो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहा करें वेबसाइट पे जाके, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। स्पेन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो स्पेन वीज़ा के लिए भी डॉक्यूमेंट्स सेम हैं जो नॉर्मली शेंजन कंट्रीज के लिए होते हैं। आपका पासपोर्ट, आपका यूए का रेजिडेंस वीज़ा, दोनों 6 महीने तक वैलिड होने चाहिए, और आपकी एक फ़ोटो चाहिए होगी, NOC लेटर चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। और बैंक स्टेटमेंट दोस्तों आपने वो देनी है जिसमें आपकी सैलरी शो हो रही हो, और अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपने 15 से 20 हज़ार दरम या 25 हज़ार दरम अगर आप शो कर देते हैं तो वो भी चलेगा। बाकी वही है, होटल बुकिंग है, फ्लाइट रिजर्वेशन है, ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि 30 हज़ार यूरो को कवर करती हो, तो ट्रैवल प्लान है, एप्लीकेशन फॉर्म है, और आपका जो डे टू डे प्लान है ये आपने देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो BSL का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, खुद से अपॉइंटमेंट ले लें। उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप की। यानी कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, अगर आप ग्रुप में या फैमिली में 4-5 लोग या ग्रुप में जाना चाहते हैं तो फिर आप ग्रुप वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी वही सेम रहेगी, पासपोर्ट, वीज़ा, एमिरेट्स आईडी कॉपी और फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट। वाइफ है अगर साथ में तो वाइफ के लिए भी आपको पासपोर्ट, वीज़ा, एमिरेट्स आईडी और मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपने देना होगा।
तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जी, और जो मेन एप्लीकेंट होता है बैंक स्टेटमेंट भी उसी की लगती है, जो मेन एप्लीकेंट होता है एनओसी लेटर भी उसी का ही लगता है। तो मोस्टली जो होते हैं हस्बैंड ही होते हैं मेन एप्लीकेंट, तो हस्बैंड की तरफ से ही जो कंपनी का एनओसी लेटर होता है वो लगेगा और बैंक स्टेटमेंट लगेगी। बाकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो आप जितने लगा सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो आप लगाएं, जैसे कि आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गाड़ी आपके नाम पे है, कोई आपके नाम पे घर है, यहाँ पे रेंट पे भी लिया है तो वो भी चलेगा, दीवा सीवा फीवा के जो बिल आते हैं उनकी कॉपी आप साथ में लगा सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की कोई स्टेटमेंट है आपके पास तो वो आप एडिशनली लगा सकते हैं साथ में। और दूसरा ये है कि आप मेक श्योर के वैक्सीनेटेड होने चाहिए और आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लाजमी होना चाहिए, कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन आपने 2 से 3 डोज ली होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीकाकार है दोस्तों। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो 15 से 20 दिन में जो है वीज़ा मिल जाता है, नॉर्मली पासपोर्ट आपको मिल जाता है, तो उसमें आपने जो भी अपना प्लान देना है सो मेक श्योर 6 मंथ एडवांस में आप स्पेन के लिए अपना प्लान दे सकते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी स्पेन में बनाई गई है, बार्सिलोना और काफ़ी और स्पेन के अच्छे अच्छे लोकेशन उन्होंने दिखाई हैं, तो वो आप साइट भी आप जब ट्रैवल प्लान देना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने ये मूवी देखी थी तो वहाँ से मुझे स्पेन दिखने में बड़ा अच्छा लगा है तो मैं ये साइट्स को विजिट करना चाहता हूँ, तो आप एक अच्छा सा कवर लेटर भी बना सकते हैं। और कोशिश करें दोस्तों कि जो भी आपने अपॉइंटमेंट ली है उससे एटलीस्ट 15 मिनट आप पहले जो है आपकी सेंटर में जो है डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाएं। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। नॉर्मली स्पेन का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिल जाता है, अगर आपकी साथ में ट्रैवल हिस्ट्री हो तो और अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वीज़ा कैटेगरी और आपकी फाइल अच्छी है तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि एटलीस्ट 1 साल 1.5 आपने यूएई में गुजार लिया हो तो तभी आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका वीज़ा यूएई का जो है वो 1 साल से लेस टाइम में है तो फिर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई नहीं करें दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिएगा। आप जो है खुद से ही इनकी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। और दूसरा ये है कि कवर लेटर बनाना होता है, ट्रैवल प्लान देना होता है, जितना छोटा ट्रैवल प्लान देंगे जितना अच्छा कवर लेटर बनाएंगे उतने ही अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। तो ठीक हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।